आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन जो है, ये पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशन था 13 जो कॉलोनीज है उनका, ये 1781 से लेके 89 तक रहा था। तो इसके ऊपर मेजर अगर क्वेश्चन आया भी तो इसके फ्लॉज वगैरह पूछ लेंगे, या फिर ये आप जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बैकग्राउंड में आएगा कि उसके फ्लॉज क्या थे, क्यों यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लाना पड़ा। तो इसके पॉलिटिकल इश्यूज आ जाएंगे, इकोनॉमिक इश्यूज आ जाएंगे और लेजिस्लेटिव इश्यूज आएंगे। पॉलिटिकल में आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह, सारी स्टेट्स अपना अपना ही था उनका सिस्टम, तो कोई फॉरेन अफेयर्स भी हेड नहीं था कोई ऑफिशियली, सारी स्टेट्स की तरफ से ये नहीं था कि ये सभी स्टेट्स का ऑफिशियली रिस्पॉन्स है। तो जब भी होना होता था वो सारी स्टेट्स इकट्ठी होती थी, सभी फैसले लेते थे, वो तो बड़ा डिले हो जाता था काम। इनएबिलिटी टू रेज वन आर्मी, कोई यानी यूनियन आर्मी नहीं थी, कॉन्टिनेंटल आर्मी नहीं थी, वो सब सभी यूनियन की अपनी अपनी आर्मी थी, कोई यानी सेंटर की कोई आर्मी नहीं थी। तो इस तरह अगर किसी यूनियन में कोई मसला हो गया तो वो तो उनकी अपनी आर्मी है, तो सेंटर की आर्मी किस तरह उसके साथ लड़ाई करेगी। इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो, कोई यूनियन करेंसी नहीं थी, सभी अपना अपना प्रिंट कर रही थी, कोई टैक्सेशन ऑफ पावर नहीं थी कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस किस तरह फिर वो अपने मामला को देखेगी, अपनी आर्मी रेस करेगी जब उसके पास पैसा ही नहीं आएगा। लेजिस्लेटिव इश्यूज जो है सिर्फ एक हाउस था, तो एक हाउस के हिसाब से वो भी उसके हिसाब से कर कि सभी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबका एक वोट है, तो कोई बड़ी स्टेट है कोई छोटी स्टेट्स है। अब जो है दूसरी साउथ वाली जो है वो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, नॉर्थ वाली जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ी स्टेट्स थी, तो इस तरह कोई उनकी यानी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही थी। तो अमेंडमेंट का जो है प्रोसेस वो भी इम्प्रैक्टिकल जो है वो था। तो इसके यही आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन ही जो है ना, ये आप अर्ली प्रॉब्लम्स अगर आती है ना अमेरिका की, आप उसमें भी देख सकते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, चलो कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके अंदर आ जाएगा, कोई कॉमन करेंसी नहीं थी वो भी वही हो गया, नेशनल आर्मी नहीं थी, सेंट्रलाइज फॉरन पॉलिसी नहीं थी, टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट का जो है वो डिफरेंस था, इकोनॉमिक वीकनेस थी कि वो जंग की वजह से, स्लेवरी जो है वो प्रॉब्लम्स थी, और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट और इलेक्शन जो है वो भी एम्बिग्यूटी थी कि क्या चक्कर है उसका। ठीक है जी, थैंक यू।